प्रधानमंत्री अबी अहमद द्वारा टाइग्रेन बलों को मैकले की क्षेत्रीय राजधानी पर सैन्य हमले से पहले आत्मसमर्पण करने के लिए 72 घंटे देने के एक दिन बाद संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को इथियोपिया से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इथियोपियाई संघीय बलों और टाइग्रे की क्षेत्रीय सेना के बीच 4 नवंबर से शुरू हुई लड़ाई में सैकड़ों संभवतः हजारों लोग मारे गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसी सूडान में 30,000 से अधिक शरणार्थी हैं। इथियोपिया के अमेरिकी मानवीय समन्वयक कैथरीन सोजी ने कहा कि वह सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा की गारंटी और 525,000 से अधिक नागरिकों गैर लड़ाकों की सुरक्षा की उम्मीद करती है जो मेकेले में रहते हैं। उसने सभी नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल और पानी की व्यवस्था नागरिक महत्व के लिए भी कहा। ट्विटर पर एक बयान में सरकार के आपातकालीन टास्क फोर्स ने कहा, अब तक टाइग्रे में वर्दी में हमारी महिलाओं और पुरुषों ने कानून प्रवर्तन ऑपरेशन के दौरान नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए बहुत सावधानी दिखाई है। विद्रोहियों ने अमहारा के पड़ोसी क्षेत्र में और सीमा पार इरिट्रिया में रॉकेट दागे हैं। देखने के लिए धन्यवाद।